इसके अलावा आपको इन फ्यूचर डायबिटीज, माइलाइटिस, शुगर से प्रिवेंट करवाती है, इन फ्यूचर हाइपरटेंशन से प्रिवेंट करवाती है, बहुत सी हार्ट डिजीजेस से प्रिवेंट करवाती है ब्रेस्ट फीडिंग। जो फीमेल्स के अंदर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो इन फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस जो कि बोन की डिजीज है उससे आपको प्रिवेंट करवाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजा और आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू अबाउट ऑल दोज बेनिफिट्स जो कि एक माँ को हो सकते हैं अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करवाए। तो एक जो नॉर्मल आइडियल टाइम बताया जाता है माओं को कि आपने 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक आपने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग लाजमी करवानी है, तो उस बात को कहने का असल में फ़ायदा आपको भी हो रहा है इन रिटर्न्स कि उस ब्रेस्ट फीडिंग के एक फीमेल को खुद को कितने फ़ायदे हैं, बच्चे को तो हैं ही हैं, आपको खुद को कितने फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो फ़ायदे बताऊंगी कि एक ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक फीमेल को खुद, क्योंकि मैंने अपनी मेजॉरिटी जो पब्लिक है उनमें देखा है कि बहुत सी जो माएँ हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट नहीं करवाती इतना, दे डोंट फील इट कम्फर्टेबल मेनी टाइम्स एंड दे स्टेप टू द फॉर्मूला मिल्क और द काउ मिल्क फॉर देयर बेबी डाइट। In this video, I'm gonna tell you those benefits जो कि एक फीमेल को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए खुद में हो सकते हैं। सो एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जो कि जस्ट आफ्टर द पोस्ट डिलीवरी बहुत सी फीमेल्स हमारी बहुत कंसर्न्ड होती हैं अबाउट द इंक्रीज्ड वेट जो कि उन्होंने 9 महीने के अंदर गेन किया होता है। सो अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं कंटिन्यूस, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए रोज़ाना की ब्रेस्ट फीडिंग आप 500 कैलोरीज बर्न करी हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट सिटिंग कामली एंड ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड, आप अपनी कैलोरीज बर्न कर रही हैं। सो ये चीज़ आपको उस पाथ पे ले जाती है कि आप अपना वेट लूज करें और नॉर्मल उस आइडियल वेट में वापस आ सकें। सो ये तो एक सबसे बहुत अहम और जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो हमारा बेनिफिट था वो था। सो सेकंड जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक फीमेल को बहुत से इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, वो यूटीआई इन्फेक्शन हो सकते हैं, मेस्टाइटिस ब्रेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत से इन्फेक्शन से आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ब्रेस्ट फीडिंग एक फीमेल में। मोर ओवर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी जो आपकी यूट्रस होती है वो ऑब्वियसली साइज में बहुत बड़ी हुई होती है, तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो वो स्टिमुलेट करती है आपको यूट्रस को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प आउट करती है और उस प्रोसेस को फास्टन अप करती है और आपकी यूट्रस जल्द से जल्द अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाती है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा जो ब्रेस्ट फीडिंग है इट प्रिवेंट्स यू एंड इट लोअर्स द रिस्क ऑफ अ लॉट ऑफ कैंसर इन अ फीमेल, लाइक ओवेरियन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गया। इसके अलावा आपको इन फ्यूचर डायबिटीज, माइलाइटिस, शुगर से प्रिवेंट करवाती है, इन फ्यूचर हाइपरटेंशन से प्रिवेंट करवाती है, बहुत सी हार्ट डिजीजेस से प्रिवेंट करवाती है ब्रेस्ट फीडिंग। जो फीमेल्स के अंदर हमारी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो इन फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस जो कि बोन की डिजीज है उससे आपको प्रिवेंट करवाती है, बहुत हद तक उसका जो रिस्क लेवल है वो डिक्रीज कर देती है ब्रेस्ट फीडिंग इन अ फीमेल, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को लेस कर देगा आपका ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। इसके अलावा एक फीमेल को एनीमिया से प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। एनीमिया क्या है? खून की कमी हो जाना, जो कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं। तो इफ़ यू आर डूइंग द ब्रेस्ट फीडिंग तो यू आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग योर सेल्फ फ्रॉम एनीमिया। सो यू कैन इन्यूमरेट दोज ऑल थिंग्स और आप इन सारे फायदों को अपने जहन में रखते हुए फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं कि आपका इस चीज़ को करवाने में आपका माओ को खुद को कितना फ़ायदा है। इस चीज़ को सोच के नहीं कि दैट इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल फॉर मी और इट विल डिसफिगर माई बॉडी शेप, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू फिगर इट अप अगेन टू द नॉर्मल शेप। होप सो आज की वीडियो हमारी बहुत सी माएँ और जो यंग माएँ हैं उनके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब। अच्छा बच्चा दुआओं में आज रखें। अल्लाह हाफिज़।